हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का CSIR नेट जो जून 2016 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको मैकेनिज्म पेपर के अंदर आए ना आए आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको ऑर्गेनिक की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता है, मतलब जितने रिएजेंट्स हैं सबका बेसिक बेसिक चीज़ अगर आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो वो आइडिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ एल्कीन टाइप का दे रखा है, साइक्लो एल्कीन। ठीक है, इसके बाद NBS दिया हुआ है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड आपके पास होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको 30% एक्वस NOH दिया हुआ है, ए आपसे पूछा है। इसके बाद R2CuLi जो आपके पास क्या है, गिलमान रिएजेंट होता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, फिर आपसे बी प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि कैसे सही आंसर आपके पास निकलेगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं NBS का फंक्शन करती हूँ तो आपको पता है NBS हमेशा डबल बॉन्ड पर लगेगा और क्या बनाएगा, साइक्लोब्रोमीन टाइप आपके पास बनाएगा। ठीक है, अब देखो जब मैं आंसर में चेक कर रही हूँ तो ए जो आपको दे रखा है, दो ए दे रखा है, मींस यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री आपको दे रखी है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन दोनों स्टेप को इन्वॉल्व करके कर रखा है, या तो अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इधर आपके पास बल्कि ग्रुप है, ये सेम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। सबसे पहले अगर आपके पास NBS ट्रीट करेगा, ठीक है, NBS में क्या करना है, साइक्लोब्रोमीन आपके पास बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, बल्कि ग्रुप है, अबव द प्लेन है, तो आपका ब्रोमीन का साइज भी बड़ा होता है, तो वो वहाँ जाना प्रेफर करेगा, वहाँ से अटैक करेगा जहाँ से हिंडर्ड कम हो। ठीक है, अब हिंड्रेंस कम कहाँ पर होएगी, ये अबव द प्लेन है तो इसका मतलब वो बिलो द प्लेन आना चाहेगा। अगर वो भी अबव द प्लेन आएगा तो हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो इसका मतलब जो पहले स्टेप में ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, वो कहां से जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो ये क्या जाएगा, बिलो द प्लेन आपके पास जाके जुड़ेगा। ठीक है, पहले स्टेप में आपके पास ये होगा। सेकंड में देखो यहां पर 30% एक्वस NOH दिया हुआ है, इसका मतलब एक्वस NOH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, OH नेगेटिव किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसका मतलब क्योंकि यहां पर O दे रखा है, NOH का काम भी यहां पर है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां पर जाकर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर चला जाएगा आपके पास। तो देखो क्या बनेगा, आपके पास जो कंपाउंड है, जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये आपके पास बिलो द प्लेन है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अबव द प्लेन आपके पास आएगा, तो अबव द प्लेन OH यहां पर अटैक करेगा, BR यहां से निकल जाएगा, तो BR क्या होगा, यहां पर जाकर जुड़ेगा। ठीक है, ये ग्रुप आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब देखो क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, साइक्लिक रिंग बना रखी है, मींस क्या है कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं, ये क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपके पास होगा, NGP आपकी यहाँ पर लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप पर जाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक किससे कर रहा है, अबव द प्लेन से कर रहा है, मीन्स यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है वो आपके पास ब्रोमीन निकल जाएगा, तो ये जो आपके पास बन रहा है वो किससे बन रहा है, अबव द प्लेन से बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास क्या बना है, ए बना है। अब आप इसको सोचो, ये तो आपके पास पूरा मैकेनिज्म है, अब आप इसको थोड़ा सा सोचोगे कि कैसे ए आया, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन कहां से जाएगा, ये अबव द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन जाएगा। अब बिलो द प्लेन जाएगा क्योंकि यहां ब्रोमीन तो है नहीं, नेक्स्ट स्टेप में NOH दे रखा है, तो यहां पर जो भी ओ जुड़ेगा, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है, ठीक है, तो आपका जो अटैक होगा वो इसके अपोजिट केमिस्ट्री पे होगा, स्टीरियो
केमिस्ट्री पे होगा, तो वो कहाँ से आएगा? अबव द प्लेन से आएगा। इसका मतलब जो भी ओ आपका अबव द प्लेन से आएगा, तो इसका मतलब ओ की स्टीरियो केमिस्ट्री ही क्या होनी चाहिए? अबव द प्लेन होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है जो बी और डी ऑप्शन है वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। पॉसिबिलिटी आपकी जो सही होने की है वो ए और सी में से आपके पास रहेगी। ठीक है, आधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखो गिलमान रिएजेंट की अगर मैं बात करती हूँ, गिलमान रिएजेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। जो भी केमिस्ट्री आपकी स्टीरियो दे रखी है, जो मिथाइल ग्रुप है वो हमेशा उसकी अपोजिट केमिस्ट्री पे जाके जुड़ता है। तो यहाँ पर जब मिथाइल आपके पास जाके अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है वो किस पे है, अबव द प्लेन है, तो जब मिथाइल यहाँ पर अटैक करेगा ये ग्रुप यहाँ हट जाएगा, तो इसका मतलब जो भी आपके पास बनेगा कंपाउंड वो कैसा बनेगा, ऑक्सीजन आपके पास क्या होगा, OH यहां पर अबव द प्लेन रहेगा, और ये हमेशा क्या होता है, गिवन की अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री को चूज करता है। तो यहां पर जो मिथाइल आर ग्रुप आपके पास लगेगा वो बिलो द प्लेन रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इसकी क्या होती है, अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री से ये अटैक करता है आपके पास। जितने भी क्वेश्चन है सबके अंदर ये चीज काम आने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए और सी में से सही आंसर देखोगे, देखो अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री किस में दी हुई है, सिर्फ आपकी ए वाले ऑप्शन में दे रखी है, तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।